शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेंद्र बाबू, बेंद्र बाबू, आप? नमस्ते। नमस्ते, कहिए। जी वीरेंद्र बाबू, आपके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं गलत हूं। मुझे गरीब मजदूरों का हक नहीं मारना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बस आप मुझे माफ कर दीजिए वीरेंद्र बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप मजदूरों को उनकी वही मजदूरी दें जो सरकार ने तय की है। मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने कहा ना, मैं उनका पूरा हक उन्हें दूंगा, उन पर अत्याचार भी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। वीरेंद्र बाबू, आप महान हैं, जो मजदूरों से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उनके लिए लड़ने को तैयार हो गए आप। वाह नागेंद्र जी, वो इंसान भी कोई इंसान होता जो सिर्फ अपने लिए जिए, और इंसान तो वो होता है जो दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो इंसान अमर कहलाता है। उस इंसान का मरने के बाद नाम लिया जाता है। बगेंद्र जी, आप भी दूसरों के लिए जीकर तो देखिए, आप भी अमर कहलाएंगे। वाह वीरेंद्र बाबू वाह, मैं आपकी हर बात से बहुत प्रभावित हो रहा हूं, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। अब एक उपकार और कर दीजिए मुझ पर। कहिए। आज रात को हमारे घर पर भोजन करने आइए, मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। इतना एहसान कीजिए मुझ पर वीरेंद्र बाबू। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। अरे अंदर तो आइए, जलपान वगैरह है जी, फिर कभी। अच्छा वीरेंद्र बाबू ठीक है, नमस्ते। नागेंद्र बाबू, ये मेरी पत्नी भवानी है। जी नमस्ते। नमस्ते वीरेंद्र बाबू, आप अपनी पत्नी को भी अपने साथ हमारे घर पर भोजन पर ले आई ना, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये यहाँ क्यों आया था? इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, माफी मांगने आया था। भगेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास? जिनकी रगों में गंदा खून होता है उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई पश्चाताप है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नौटंकी खेल रहा है। हम उनके घर नहीं जाएंगे। भवानी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर वाल्मीकि जैसे इंसान का हृदय परिवर्तन हुआ था। ये तो मामूली इंसान है, हम रात को चलेंगे इसके घर भोजन करने। भगेंद्र सिंह जी, अब आप देखना मजदूरों की दुआएं लगेंगी आपको, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। मैंने तो आपसे कहा था कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लीजिए ना। नहीं नहीं बस 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 बस। अरे नहीं वीरेंद्र सिंह जी, ये शरबत है, शराब नहीं। लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। जी नहीं बस। भाई पता नहीं ये कैसी शरबत है, इसको पीने के बाद तो शराब का नशा हो रहा है एकदम, एकदम नशा हो रहा मुझे। वीरेंद्र सिंह जी, ये नशा हमारी दोस्ती की शुरुआत नहीं, बल्कि ये नशा हमारी दुश्मनी का अंत है। पीजिए। तो हाट क्या मतलब? मतलब ये है वीरेंद्र सिंह, किसमें शराब और जहर दोनों मिले हुए हैं।
और शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए तुम्हें नशा हो रहा है। और जब जहर अपना असर दिखाना शुरू करेगा तब तड़प शुरू होगी, मौत की तड़प। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ वीरेंद्र सिंह, भगिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाला का यही हश्र होता है। मैं शराब में जहर मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुला देता हूँ। क्या समझ रखा था तुमने? सुनिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं होगा भवानी जी, कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ूंगा, मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन तुम मुझसे घबराओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे करके तुझे मैं छोड़ दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। और उसके बाद मैंने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मैंने हथियार उठा लिए। भवानी, तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आज दोनों मिलकर भगेंद्र सिंह की। नहीं बिंदिया, नहीं, उस जल्लाद ने मेरी जिंदगी उजाड़ी है, मैं उसे अकेले अपने हाथों मौत के घाट उतारूंगी। जग्गा, कब आ रहा है भगेंद्र सिंह मेरे हाथों मरने? कल सुबह। भगेंद्र सिंह, कल सुबह तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो थकान हो गई, कितने दिन हो गए आए हुए, क्या हाल हो गया घर का, सब इधर उधर। कौन कौन? कौन है? अरे कौन है वहां? घर में तो ताला लगा हुआ था, तुम अंदर कैसे आई? मैं तेरी मौत हूं भगेंद्र सिंह, और मौत कहीं भी आ जा सकती है। हाँ भवानी, इस शराब में जहर मिला हुआ है, इसे पीने के बाद तू तड़पेगा, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे पति को तड़पाया था।